नमस्ते, मैं डॉक्टर लव बंसल, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट मैक्स वैशाली हॉस्पिटल से। आज नेशनल एपिलेप्सी डे के उपलक्ष्य में हम लोग एपिलेप्सी के बारे में कुछ बात करेंगे। एपिलेप्सी के साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके क्या ट्रिगर्स होते हैं, उसके बारे में हम बेसिकली बात करेंगे। सबसे पहले एपिलेप्सी क्या है, कॉमन भाषा में जिसे हम मिर्गी कहते हैं वही एपिलेप्सी है। एपिलेप्सी और दौरे ये दो डिफरेंट चीज है। किसी भी मनुष्य को, किसी भी हमारे किसी भी ह्यूमन बीइंग को अगर एक बार दौरा आता है, जैसे कि कभी किसी को सर में चोट लगी या कभी कोई सर का इन्फेक्शन हुआ, किस भी इस तरह की बीमारी हुई जिससे कि उसको एक बार दौरा आए, तो उसको एपिलेप्सी नहीं कहते, उसको मिर्गी नहीं कहते। मिर्गी का मतलब है कि मरीज को कई बार दौरे आ चुके हैं या उसके दिमाग में कुछ ऐसी टेंडेंसी है कि उसे बार बार दौरे आने आ सकते हैं, तो ऐसे लोगों को हम मिर्गी के मरीज या एपिलेप्सी के मरीज कहते हैं। एंड इन मरीजों के लिए जरूरी होता है कि ये अपनी दवाइयां टाइम से लें, अपने लक्षणों को पहचानें और जो ट्रिगर्स होते हैं इनके उनको रोकने में हेल्प करें। तो लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, कॉमनली जो हम जानते हैं कि एपिलेप्सी के लक्षण क्या है या मिर्गी के लक्षण क्या है, वो ये होते हैं कि हाथ पैर इस तरह से कुछ हिलेंगे और मरीज बेहोश हो जाएगा, जीभ कट जाती है अक्सर, और ऐसे मरीजों को ये बार बार होता है। ये सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन होता है जो हम सभी लोग ऑलमोस्ट जानते होते हैं, लेकिन इसके सिवा भी कई तरीके से एपिलेप्सी प्रेजेंट कर सकती है। कई मरीज कुछ इस तरह से हो सकते हैं कि जिन्हें कुछ समय के लिए याद ना रहता हो, कुछ समय के लिए वो भूल जाते हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। छोटे बच्चे जिनकी स्कूल में से ये कंप्लेंट आ सकती है कि ये अटेंटिव नहीं रहते हैं, बात नहीं सुनते हैं, कहीं खोए खोए रहते हैं, तो ऐसे मरीजों को भी, ऐसे लोगों को भी हो सकता है कि ये दौरे आ रहे हैं। कई लोगों को दौरे में सिर्फ उनका हो सकता है कि सिर्फ एक हाथ हिले या सिर्फ एक पैर हिले, या किसी किसी को इस तरह के सिम्टम्स भी हो सकते हैं कि उनको हाथ में झुनझुनी, नंबनेस या कुछ महसूस ना हो कुछ देर के लिए और फिर वो ठीक हो जाए, ये भी एपिलेप्सी के सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके सिवा कुछ लोगों को इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं कि उन्हें दिखाई दे कुछ, कि कुछ चल रहा है, कुछ लाइटें आ रही हैं, कुछ इस तरह की चीजें दिखाई दे जो कि थोड़ी देर के लिए दिखाई दे और फिर बंद हो जाए। कुछ लोगों को ऐसे अचानक से डर लग सकता है, थोड़ी देर के लिए डर लगने लगे उन्हें, या बहुत देर गुस्सा आने लगे, या पेट में कुछ अजीब सी सेंसेशन होने लगे, या धड़कन अचानक से बढ़ने लगे और ये कुछ देर के लिए हो और फिर ठीक हो जाए। एपिलेप्सी के इस तरह के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। कुछ लोगों में ये इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकती है कि उन्हें कुछ समय के लिए कुछ याद ना रहे, कुछ समय की चीजें वो भूल जाएं, जब उनसे बाद में पूछा जाए तो उन्हें उस समय का कुछ कुछ याद ना हो, उसके सिवा हमें सब कुछ याद हो। कुछ लोगों में आप ये देख सकते हैं कि वो कुछ समय के लिए बुत बन के बैठ जाएंगे, किसी एक तरफ लगातार देखने लगे, जीभ चलाने लगे अपनी थोड़ी सी, या पानी जीभ से लार बहने लगे उनके मुंह से, हाथ को वो कुछ इस तरह से मूवमेंट करें, हाथ कुछ इस तरह से उनके बन जाए या हाथ का कुछ एबनॉर्मल तरीके से मुड़ जाए उनके हाथ, तो ये भी एपिलेप्सी के लक्षण हो सकते हैं। आपको ये याद रखना है कि अगर किसी को भी बार बार कुछ इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं जो थोड़ी देर के लिए रहते हैं, जिसमें कि उसको अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहता है, उस समय का उसको याद नहीं रहता है, या कुछ एबनॉर्मल चीजें होती हैं जो कि थोड़ी देर में ठीक हो जाती हैं, तो ये सारे एपिलेप्सी के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे सभी मरीजों को तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, एक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, ताकि उनकी पूरी तरीके से जांच हो पाए और पूरी तरीके से ये जाना जा सके कि उसका कारण क्या है। अब इस एपिलेप्सी के कारण क्या होते हैं, एपिलेप्सी के कारण कई सारे होते हैं जो कि हमारी उम्र के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। जैसे कि अगर कोई, अगर हम बिल्कुल पैदा हुए बच्चों की बात करें तो उसमें मोस्ट कॉमन कारण ये होते हैं कि उनको इन्फेक्शन हो गया हो, या उनके ब्रेन कुछ ढंग से बना ना हो, या बर्थ के समय उनको इंजरी हो गई हो, बर्थ के समय उनको ऑक्सीजन दिमाग को नहीं पहुंची, इस कारण से उनमें बच्चों में दौरे संभावना हो सकती है। उसके बाद स्कूल जाने वाले बच्चे या एडल्ट एडोलोसेंट्स, जो कि हम 3 साल से 17-18 साल की उम्र तक की बात करते हैं, इसमें कई सारों को एपिलेप्सी जरा जो कॉमन कारण होते हैं वो जेनेटिक एपिलेप्सीज होती हैं, यानी कि उनके दिमाग में या उनके जीन्स में कुछ ऐसी गड़बड़ होती है, कुछ ऐसी चीजें होती है जिससे उनके ब्रेन में सीजर्स आ जाने की टेंडेंसी होती है, तो इनको हम जेनेटिक एपिलेप्सीज कहते हैं। उससे ऊपर चले तो जो यंग एडल्ट होते हैं 20 साल से 50 साल की उम्र में, इसमें सबसे कॉमन कारण जो एपिलेप्सी या दौरे होने के सबसे कॉमन कारण होता है वो होता है कि किसी ड्रग का सेवन करना, कोई इन्फेक्शन हो जाना। इंडिया में सबसे कॉमन जो आपने सुना होगा गोभी के पत्ते वाला कीड़ा, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस जिसे कहते हैं, ये एक कॉमन कारण है जिसके कारण दौरे आ सकते हैं या एपिलेप्सी हो सकती है।
जब हम एडल्ट्स की तरफ जाते हैं, 50 साल से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो कॉमन कारण जिनकी वजह से दौरे आते हैं उसमें स्ट्रोक एक कॉमन कारण है जिसकी वजह से स्ट्रोक आ सकता है, या फिर ट्यूमर। उसके सिवा उम्र के साथ साथ इस तरह से ये कारण चेंज होते हैं, हालांकि किसी भी उम्र में कोई भी कारण प्रेजेंट कर सकता है। क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं दौरे होने के? रिस्क फैक्टर्स का मतलब है किन किन कंडीशंस में दौरे हो सकते हैं। तो हर तरह के दौरे, जिस तरह के दौरे हैं इंसान को, उस तरह के उसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं। कहीं किसी किसी मरीज को, जिसको नींद पूरी ना होना, प्रॉपरली नींद पूरी ना हो पाना, या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेना, कभी कभी हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी दौरे ट्रिगर हो सकते हैं। जो मरीज ऑलरेडी दवाइयां ले रहे हैं वो अपनी दवाइयां मिस कर दें, या फिर दवाइयों का कॉम्पोजिशन चेंज हो जाए, या कभी कभी ब्रांड चेंज हो जाए, उससे भी दौरे आ सकते हैं मरीजों को। किसी किसी मरीज में जब एज के साथ साथ जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, कभी हमारा वजन बढ़ता है, कभी वजन घटता है, या प्रेगनेंसी का टाइम होता है, तो बॉडी की रिक्वायरमेंट दवाओं की डिफरेंट हो जाती है। तो उस समय में भी दवाएं अगर हम डॉक्टर से मिले ना और दवाई का डोज एडजस्ट ना किया जाए तो उस कारण से भी दौरे आ सकते हैं। इसके सिवा कुछ ऐसी एपिलेप्सीज होती हैं जिसमें लाइट्स की वजह से, ब्राइट लाइट्स अगर शाइन कर रही हो, साउंड्स अगर ब्राइट, बहुत ज्यादा साउंड्स की वजह से, उनसे भी एपिलेप्सी ट्रिगर हो सकती है। इसके सिवा बहुत सारे लोगों में इस तरह से भी एपिलेप्सी ट्रिगर हो सकती है कि उन्होंने सोए नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं किसी चीज का, या उनका जो शेड्यूल है वो बिगड़ गया है। तो इन सब कारणों से एपिलेप्सी या दौरे उनके ट्रिगर हो सकते हैं। अब दौरे के बारे में, जब भी आपको दौरा आता है तो इस चीज के लिए ध्यान रखना है कि हमें आपको एक डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है, एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना जरूरी है, ताकि दौरे के बारे में पूरी जांच हो पाए और आपका उचित इलाज हो पाए। कई बार ऐसे मरीजों को कई बार ऐसा लगता है कि हमारा MRI भी नॉर्मल है, जो जांचे हैं वो भी नॉर्मल है, फिर हमें एपिलेप्सी क्यों है? तो जैसा मैंने बताया, एपिलेप्सी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि आपके ब्रेन में कुछ इस तरह की एक्टिविटी है, कुछ इस तरह की टेंडेंसी है कि आपको दौरे आ सकते हैं। तो जिनको जेनेटिक एपिलेप्सीज होती है या मेटाबॉलिक एपिलेप्सीज होती है, तो कई सारी ऐसी एपिलेप्सीज होती है जिसमें आपकी सारी रिपोर्ट शायद नॉर्मल आती है, उसके बाद भी आपको दौरे हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपकी जांचें गड़बड़ाएं तभी आपको दौरे होते हैं, जांचें नॉर्मल होने के बावजूद भी आपको दौरे की संभावना हो सकती है। इसके बाद हम आते हैं, सबसे पहले आपको अगर दौरे का मरीज दिखता है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या फर्स्ट एड करना चाहिए, कुछ बातों का जिनका ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी को भी दौरा पड़ते हुए देखें तो सबसे पहले जरूरी है कि उसको रोकने की कोशिश ना करें, हाथ पैरों को पकड़ने की कोशिश ना करें, मुंह में कई लोग चम्मच देते हैं या ये सब देते हैं, वो सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी भी इंसान को दौरा आते हुए आपको दिखता है तो उसको एक खुली जगह पे मूव कर दीजिए, जहां से कि उसको जब हाथ हिलेगा या पैर हिलेंगे तो उसको चोट लगने की संभावना ना रहे। अगर मरीज की शर्ट वगैरह का बटन टाइट है, शर्ट को, तो उसके बटन खोले जा सकते हैं और उसको थोड़ी देर के लिए एक तरफ की करवट पे लिटा देना है, ताकि जो भी हमारा बलगम या कुछ इस समय बनता है एपिलेप्सी के दौरे के दौरान, वो गले के अंदर ना जाए और वो बाहर भी मुंह से निकल जाए। कभी भी किसी को दौरा आता है, अगर कोई दौरा थोड़ी देर के लिए आके 2 से 3 मिनट में आके रुक गया और उसके बाद मरीज को होश आ जाता है थोड़ी देर में, तो आपको तुरंत उसके बाद डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। लेकिन अगर किसी को ऐसा है कि उसको 5 मिनट तक लगातार दौरे या उसका शरीर हिलता जा रहा है, लगभग 5 मिनट या उससे ज्यादा के लिए हिल रहा है, उसको 2 दौरों के बीच में होश नहीं आ रहा है, तो ऐसे में कभी भी वेट नहीं करना है OPD का, आपको तुरंत मरीज को इमरजेंसी में डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। इसके सिवा कुछ और बातें जिनका ध्यान रखना चाहिए और दौरे के मरीजों को, जब भी जिनको दौरा आता है उनके घर वालों के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो इस चीज का ध्यान रखें कि कभी भी इन्हें अकेला ऐसी कंडीशन में ना छोड़ा जाए जिसमें कि अगर दौरा आए तो उसे चोट लगने की संभावना हो। जब भी किसी को लास्ट दौरा आता है उसके बाद उसकी दवाइयां एडजस्ट करने के बाद एटलीस्ट 3 से 6 महीने का पीरियड ऐसा होता है जिसमें कि दोबारा से दौरे आने की टेंडेंसी रहती है, तो इस समय में मरीज को अकेले किसी ऊंची जगह पे जाने देना, अकेले ड्राइव करना या फिर अकेले कुकिंग करना या कोई भी ऐसी चीज जिससे कि अगर दौरा पड़े तो जान को जोखिम हो, उस चीज को ध्यान रखना है, उस चीजों को अवॉइड करना है। हमेशा कोई भी मरीज है जो भी इस चीज के, उन्हें अपने डॉक्टर से मिलें और उचित सलाह लें तो आपकी एपिलेप्सी कंट्रोल रहेगी। सही इलाज, आजकल हमारे पास बहुत सारी दवाएं आ चुकी हैं और बहुत सारी अलग टेक्निक्स भी हैं जिससे कि हम दौरों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मरीजों के लिए हमेशा इसमें एक नई
उम्मीद की किरण बनी हुई है, दवाइयां हैं, आपकी एपिलेप्सी कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन आपको उचित इलाज की जरूरत है, तो उसको ध्यान से लें और डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो। थैंक यू।